किस गल दा पंगा तू पाड़ा है। असली नोटों का बैग तुम्हारे पास है और नकली नोटों का तुम्हारी अम्मा के पास। तुम्हारी अम्मा इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, उन्हें भला कौन सा कुछ पता चलेगा। बात तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर अम्मा को पता चल गया ना तो। अरे जब तक आप उन्हें नहीं बताएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा। अरे बस खुशी का एहसास ही बहुत खूबसूरत। सोचो हमारा बेबी होगा, आप उससे बातें करेंगे, उसके साथ खेलेंगे। I'm too excited. मेरी मेहनत के बगैर तेरा पैसा किस काम का है? ये भी जिस प्लाट में तूने 50 लाख से 4 करोड़ रुपए कमाए किसकी वजह से? मेरी वजह से ना। 1 करोड़ रुपया तुमने मुझसे मांगा, उस पे मैंने तुम्हें दिया ना। तो मैंने गलत ही किया ना, मुझे 2.5 करोड़ रुपए मांगना चाहिए था। मुझे पता था आप आएंगे। तुझे कैसे पता था? बहुत खुश है ना। ऐसा वैसा तूने तो बेटे बेटा मुझे मालदार बना दिया। तो पूरा रात बैठ के सोचते रहा कि इसकी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तू बड़ा चालाक हो गया सरका। शगुफ्ता बाजी और आप सबको देख देख कर अब जब से यहाँ आई हूँ चालाकियाँ और पैसे कमाने के तरीके ही देख रही हूँ। किधर है शगुफ्ता बाजी, किधर है? कल से अपने कमरे में बंद है और वो नबी नींद की गोलियाँ खा के सोया पड़ा है। ये फेरे लिए लाया, इसमें चूड़ियाँ हैं, चॉकलेट है, ये नया मोबाइल भी लेकर आया, इसमें नया सिम है। लेकिन ये क्यों? शगुफ्ता बाजी की बातें रिकॉर्ड करना है, समझ गया? समझ गई। आइसक्रीम खिलाऊं? कॉल आ रही है। मैम आपकी कॉल आ रही है। हेलो आपने? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अम्मी ने अभी मुझे खुशखबरी सुनाई है। थैंक यू। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ, दिल चाहता है कि अभी से जाकर ना बेबी की शॉपिंग स्टार्ट कर दूँ। हाँ भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम जो चाहे कर सकते। ये बात पैसे की नहीं खुशी की है। अच्छा सुने, मुझे भी ना आपको गुड न्यूज सुनानी है। वो क्या? आरिफ भाई है ना, उन्होंने हम माँ का प्लॉट लेकर दिया है, हम भी जल्द घर बनाएंगे। अच्छा बहुत मुबारक। थैंक यू। चलिए मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, आपसे ना घर आके बात होती है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। वैसे वहां कितनी खुश नसीब है ना, शादी हुई, हनीमून पे गई, घूमती फिरती रहती है, और अब उसके शौहर ने 10 मरले का घर लेके दिया है उसको। बड़ी खुशी की बात है, ये सारी चीजें मेरे नसीब में था। अल्लाह हमें भी देगा, हमें खुशी मिली है। अरे खुश रहा करो, ऐसी नेगेटिव सोचों से परेशान ना हुआ। जो हमारे नसीब में वो हमें मिले और जो अल्लाह ने उनके लिए लिखा वो हमें मिले। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चलो मैं अम्मा को बुला कर लाऊं। नहीं आप यहीं रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आराम से सो जाओ, मैं आजकल कुर्सी पढ़ता हूँ। लेट हो, तुम डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। देखो Thank you.
फराज, फराज बेटा आ जाओ, नाश्ता लग गया। अम्मा बेटा तुम आज भी स्कूल जा रही हो? स्कूल जाना बहुत जरूरी है, छुट्टी नहीं कर सकती। शक्ल से ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा, आज आराम कर लेती। फराज तुम ही समझाओ ना इसे। स्कूल में स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, प्रिंसिपल ने मना किया छुट्टी करने से। बेटा जान और सेहत से जरूरी नहीं है नौकरी। अम्मा आप भी जिद पे अड़ जाती हैं, कह रही हूँ जाना जरूरी है, छुट्टी नहीं कर सकती मैं। नाश्ता इसे समझाना बहुत मुश्किल। अच्छा जाओ तुम, खुद छोड़ कर आओ, उससे मैं रक्षे भी चली जाए। अल्लाह हाफिज। खुद नाश्ता किया फराज को। अनम अपना ख्याल रखना, ज्यादा भाग दौड़ मत करना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। हेलो जी, नहीं मैं मिसेस वलीद हूँ, अनम की फ्रेंड। मिस अनम गिर गई है, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। अनम के साथ आप हैं जी? ये मेडिसिन ले आई है। अनम ठीक है? वो तो ठीक है लेकिन मिसकैरेज हो गया। तू चलाए कमला निमाड़ाए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, शी इज एक्सपेक्टिंग। तू पाड़ाए ना मत्थे लगे वे, तू दुनिया दे ए दंगल थे मुक ही जाड़ाए। ये ख्वाहिश भवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं, मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। जब तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा था तो आराम क्यों नहीं किया? मैं तो कोई बात करूं तो बुरी बनती। आप क्यों बुरी बनी? आप घर की बड़ी हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं। अनम बेटा तुम बड़ों की बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कोई बड़ा समझे तब ना, कोई बात समझाऊं तो उल्टा मतलब लेती है। मना किया था आज भी कि स्कूल मत जाओ, मगर आप दोनों मुझे बातें सुनाने के लिए आई हैं। देख नहीं रही कितनी परेशान हूं मैं? मुझे कोई शौक लिए काम करने का, मजबूरी में करती हूँ। मजबूरी? हाँ मेरा शौहर तो लाखों कमा के मुझे देता है ना, जो मैं काम ना करूं, लेकिन हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, अजाब बना हुआ है। जी बात सुनती रहती बेटा। आपके मैसेज को डिस्चार्ज कर दिया गया, ये बिल पे करके फाइनल नोट आपके आएगा। मैं आपसे अनम के रवैये की माफी चाहती हूँ, वो जरा जज्बाती है। थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। मैंने कभी आपसे गिला नहीं किया, पर सच तो ये है कि अनम ने मेरे बेटे फराज की जिंदगी अजाब कर रखी। हम तो खुद बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, आप और फराज वाकई बहुत अच्छे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आपने सारी तरबियत माम की कर दी, जरा सी तवज्जो अनम पे भी दे दी शायद थोड़ी बेहतर होती। देखिए जी, माँ बाप तो अपने हर बच्चे की तरबियत एक जैसे ही करते हैं, कुछ बच्चे समझ आते हैं और कुछ नहीं। सर 50,000 इतना ज्यादा बिल सर? जी मगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर की फीस अलग, आईसीयू की अलग, रूम की अलग एंड मेडिसिन की अलग। मेडिसिन तो मैं खुद लेकर आया था सर,
हाँ, मगर जो हॉस्पिटल ने दी थी ये उनका बिल है। सर कुछ डिस्काउंट हो सर? सॉरी, आपको पूरा बिल देना होगा। जी सर, मैं भी हाँ। कैसी हो ना? घर चलें? हाँ बस बिल वगैरह क्लियर करके चलते हैं। कितना बिल है? 50,000 का बिल है। 50,000 रुपए? किस बात के 50,000 रुपए? आप जाके बात करो, उनसे बात नहीं की आपने? की है बात मैंने, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसी चार्ज करते हैं। हाँ तो जाके बिल देना, मुझे क्यों बता रहे? मेरी तो तनख्वाह भी खत्म हो। हाँ तो मैंने बड़ी बचा के रखी हुई ना तनख्वाह भी। पहले भी कर्ज काफी देना है। हाँ तो ठीक है, इसमें भी अब मेरा ही कसूर है ना? नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है, और ये बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे पता तुम डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब, लेकिन ऐसे तो देने ही है। अस्सलाम वालेकुम तायमी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम खैर से हो? मैं अस्पताल से बात कर रही हूँ। हैं? क्यों बेटा, सब खैरियत है? वो मैं स्कूल में गिर गई थी तो मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज? हाय, बहुत अफसोस हुआ बेटा, चलो अल्लाह की मर्जी। वो तायमी, मैं ना बिल पे करना है 50,000 रुपए, तो बहुत परेशान है अगर आप कुछ। हाँ हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, तुम्हें बेटी कहा है, इनकार कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया तायमी, बहुत मेहरबानी है आपकी। अगर आप फरजाना बाजी को भिजवा दें तो फराज वहाँ से ले लेंगे। ठीक है बेटा, मैं भेज देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। तुम्हारी डिमांडें बढ़ेंगी तभी तो मेरे काबू में आऊंगी तू। भेजती, अभी भेजती। भाई हम्माद और महम, ये है तुम दोनों का प्लॉट। अब इस पे खूबसूरत सा घर तुम दोनों ने बनवाना है, क्योंकि मैं और सबिया तो कल USA वापस जा रहे हैं। थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू सो मच। सर इलाका काफ़ी वेल मेंटेन और अच्छा है। भाई तुम दोनों का जब घर बन जाएगा तो ये इलाका और भी खूबसूरत हो जाएगा। भाभी आरिफ भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे, हमाद ने हमें खुश किया और फिर अब हमारी बारी थी ना। जी थैंक यू भाभी, थैंक यू। चलें भाई सब दुआ कर लेते हैं। नसीब में तो ये खुशी भी नहीं थी, अब अम्मा को फराज को ना मुझे बातें सुनाने का एक और मौका मिल जाएगा। फल्ला मेरी तो किस्मत ही खराब है। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। थकन हो गई आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? मैं बस अभी भी हमाद में छोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम दादी। जी, जी रहो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र।
आज तो अनम की सास ने दिल खोल कर सुनाई। इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। क्या मतलब अम्मा, क्या सुनाया उन्होंने? यही कि अनम जिस जिस तरह उनका दिल जलाती है, उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया, लेकिन आज तो उनका भी सब टूट गया। लेकिन अम्मा, इसमें आपका क्या कसूर है? आपको क्यों सुनाई उन्होंने? अरे बेटा, बेटी की गलत तरबियत का निशाना सबसे पहले माँ को बनाया जाता है। अम्मा, हमने तो दोनों की तरबियत एक जैसी की, फितरत ही एक जैसी ना हो तो क्या करें। आज तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूटा है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अनम को, लेकिन औलाद है, जुबान ने साथ दे दिया। अम्मा, आप अपने आप को कसूरवार समझना छोड़ दें। आपने किस किस तरह उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं समझती। पता नहीं क्या हो गया है अनम को, बदजबान, दीदा दिलेर होती जा रही, गलत काम को गलत समझती नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देती। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुमने उसकी, पता नहीं किस पे चली गई। अम्मा, मैंने भी बहुत बातें महसूस की और राहत भी समझाती रहती, क्या करें। अरे जब औलाद सरफरी हो जाए तो बंद बांधना जरूरी हो जाता है। क्या मतलब अम्मा? खैर से माहम का घर बन जाए तो अनम को यहाँ ले आओ अपने पास। फराज तो दिन भर घर पे होता नहीं, ना जाने किस किस को बुलाती रहती, किसी को क्या पता। समझ रही हो ना मेरा मतलब? समझ रही हूँ माँ, इसी बात का तो डर है। अनम आप कभी भी फराज भाई को लेकर यहाँ नहीं आएंगे, इस बात को तो छोड़ ही दें। सबने मेरे अंदर जितना जहर भरा है ना, ये सब कुछ छुपाने के लिए मैं हर वक्त सजी सवरी रहूंगी, जब तक कि मैं तुमसे बदला नहीं ले लेती। शिफ्ता बाजी, गुलखानों नहीं थी, तुम सबको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब हेलो जरखा, क्या कर रही थी? तुम्हें याद? और मैं तुझे याद कर रहा था। वो क्यों? अब तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो कि नहीं समझो। अच्छा, और आप चार बच्चों के बाप होकर मुझे क्या समझाना चाह रहे? देख सरका, बीवी बच्ची अपनी जगह पे, और तुम जैसा महबूबा अपनी जगह। अच्छा, खुद से ही मुझे अपनी महबूबा बना लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब पता चल गया ना यार सरका, तूने मेरी जितनी खैर खाई की है ना, अब तो तू मुझे बीवी और महबूबा से भी बढ़ के लगने लगी, और खान के दिल में रहने लगी। अरुआ, ये बताए फोन क्यों किया? वो शगुफ्ता बाजी की ने हर खबर की इत्तला तूने मुझे देनी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मुझे भेजनी है, समझ गया? ठीक है, समझ गई। जो बात दिल में वो कह क्यों नहीं देता? अगर तुम्हारी मेरे दिल तक रसाई होती तो ये कभी ना पूछती। जिस प्यार और मोहब्बत से मैंने रिश्ता बनाया था, तुमने उसे अपनी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ा दी। रिश्तों की भी कदर नहीं की जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। और जिस बदतमीजी से तुम मेरी माँ से बात करती हो,
उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी तो आवाज नहीं आती। शट अप। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस फराज बात कर रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दो दिन का लीव चाहिए मुझे। आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। फराज, जी अम्मा, अम्मा ये सब क्या है? बेटा मुझे स्टेशन छोड़ा। मगर क्यों? बेटा मेरा यहाँ काम खत्म, तुम्हारी खुशी के लिए रुकी थी। उस खुशी के लिए उसकी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त की। अम्मा मैं तो हूं ना आपका बेटा। हसद के ये भी तो उसे बर्दाश्त नहीं। वो जाए जानो में। नहीं ऐसे मत बोलो, तुम्हारी जिंदगी की साथी है। आप मेरी जन्नत नहीं, कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी तो एक एक सांस तुम्हारे नाम से है मेरे बच्चे। रुक जाए ना। अपना घर अपनाओ। मैं आपका अपना नहीं हूं। इज्जत मत करो, दूर रहने से जो ये थोड़ी बहुत मेरी इज्जत करती है, इस इज्जत का भरम। अम्मा कहने से पहले काम करना, पहले लूटो वाला बैग तो ढूंढे, जल्दी हो जल्दी। क्या मतलब? पैसे की मांग में किसी पे भरोसा नहीं करती। अल्लाह जाने कहां पे रखी है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। अपनी बैग इस कमरे में है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, बैग है तो इसी कमरे में, क्योंकि जब से उन्होंने गुलखान से बैग लिया ना, वो इस कमरे को बंद रखते हैं। फिर कहां जा सकते हैं? अच्छा ना बेटा, अपना और फराज का बहुत ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। आपने अचानक ही जाने का प्रोग्राम बना लिया? चलो बेटा, खुदा हाफिज़। कहीं वो बैग तो नहीं है? हाँ ये वही बैग, कौन कौन है? चलो जल्दी जल्दी पैसे तब्दील करो। अगर अम्मा को पता चल गया कि नकली नोट कहाँ से हैं तो? नहीं को कुछ पता चलेगा तो पैसे तब्दील करो। चलिए एक साल पूरा। सलाम अलैकुम ताइमी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? तुम्हारी तबीयत का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, फौरन चली है। उस टाइम में क्या बताऊं, हमारी खुशी को तो जैसे नजर ही लग गई है। नहीं नहीं बेटा, परेशान नहीं होते, अल्लाह फिर करम कर देगा। आपको देखकर ना मुझे तसल्ली हो गई। वैसे मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। क्या? वो फरजाना बाजी है ना, उनसे मैंने 10,000 रुपए लिए थे महान की शादी पर, तो वो वापस मांग रही हैं, तो अगर आप उन्हें दे दें मैं आपको वापस कर दूंगी। वैसे तुम्हारे खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ गए।
मैं क्या बताऊँ, इधर तनख्वाह आती है उधर खत्म हो जाती है, लेकिन जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं आपको वापस कर दूंगी। हाँ ये मसला है वैसे नौकरी पेशा लोगों का। आप फजाना बाजी को 10,000 दे दें, मैं अगले महीने आपको दे दूंगी वापस। छोड़ो इतनी सी बात क्यों फिक्र करती हो, अभी जाते हो मैं पकड़ाती जाऊंगी, घबराओ नहीं, समझो हो गया। बहुत शुक्रिया, वरना मैं इतना परेशान हो रही थी अभी। अरे अपनी ताई अम्मी के होते हुए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वैसे आजकल लोगों ने ना कई कई तरह के कारोबार शुरू किए हैं, तुम और फराज भी सोचो कुछ इस बारे में। कारोबार? क्या कर रहे हो? कैसे छुपा रहा हूँ? नहीं यहाँ मत छुपाओ, जब तुम घर नहीं होते ना तुम्हारी अम्मा अक्सर तुम्हारे इस कमरे की तलाशी लेती हैं। क्यों? ये तुम पे शक है कि तुम उनके पैसे चुराते जब वो घर पे नहीं होते। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना भाई मैं क्यों बताऊँ, फिर तुमने कहना था माँ बेटे में लड़ाई करवा दी। तो तुम बताओ कहाँ रखूँ? एक काम करो, तुम ये पैसे मुझे दे दो, मुझे एक बहुत महफूज जगह पता है, शगुफ्ता बाजी की नजर वहां बिल्कुल भी नहीं जाती, मैं वहां आराम से रख दूंगी। ठीक है, तुम पर तो मैं आंखें बंद कर दबा कर सकता हूँ। क्यों? क्यों लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम मेरी हमदर्द और दोस्त हो? सिर्फ दोस्त नहीं और भी बहुत कुछ। और क्या? मोहब्बत हो गई है तुमसे? मुझे भी। ये लो। आप सुबह से अखबार में क्या देख रहे हैं? नौकरी। वो क्यों, आपने अपनी तबीयत देखी है? ठीक हूँ, जब काम करने वाला शख्स दूसरों के लिए बोझ बनता है तो उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जुर्म पैदा होने लगता है। सलाम अलैकुम अम्मा। सलाम अलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अच्छा बिल्स और जहेज पैकेज की किस्में अदा कर रही हूँ अम्मा, ये घर का सामान है और ये अब्बा की दवाइयाँ। और अब्बा देखे मेरी पहली तनख्वाह देना। अब्बा आपके पैसे? नहीं बेटा, इस पे आप हमाद का हक है। हरगिज नहीं, औलाद पर पहला हक माँ बाप का होता है। कैसी बातें कर रही हो, क्या सोचेगा वो? तो कुछ नहीं, उनकी सोच मुझसे ज्यादा अच्छी है। वो तो है माशाल्लाह से। प्लीज अब्बा इनकार मत करें। बेटा देने वाले हाथ के लिए लेना बहुत मुश्किल काम होता है, चाहे उसकी अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो। ये पैसे अपनी माँ को दे दो। तुम्हारे बाप ने गरीब होके भी खुदारी नहीं छोड़ी। उनकी बताई हुई बातों ने तो मुझे इतना मजबूत किया। तुम इनके लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ दो ना, वरना ये अंदर ही अंदर खुलते रहेंगे। ठीक है। अम्मा तूने मुझे हर वक्त निकम्मा और हडहरम कह क्या करना, मेरी इज्जत कौड़ी की भी नहीं रहने दी। हाँ तो ठीक है ना, जो हो वो ही कहूंगी। इस कारोबार में सिर्फ और सिर्फ गुलखान ने मेहनत की है, उसी की वजह से आज हम जो हैं सो हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि वो भी अब आंखें दिखाने लगा है। अच्छा होगा जब मुझे छोड़कर उस पर एतबार करोगी तो यही होगा ना। नवी तू ना कोई भरोसे वाला बंदा ढूंढ, उसके बाद देखना इस गुलखान को मैं ऐसा निकाल के बाहर करूंगी कि याद रखे को। बड़ी अकड़ आ रही है ना उसमें।
खाना नहीं खाएंगे आप? क्या एटीट्यूड दिखा के आप मुझे क्या साथ दिलाना चाह रहे हैं? मेरा दिल चाहता कि तुम्हें क्या बोले, चुप क्यों हो गए? मेरी जिस माँ को तुम बुरा समझती हो उसी की बात ने मुझे रोकती है, वरना मेरा दिल चाहता कि तुम्हें अभी इसी वक्त मैं घर से निकालूं। क्या उसी औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? और मेरी आपने? तो ठीक है फिर दोनों अलग हो जाते। मैं भी यही सोचती, आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लूं। मुझ जैसे ने तुम्हारी गलतियों खामियों पर पर्दा डालकर तुम्हें अपनाया, तुम्हें मोहब्बत और इज्जत थी, लेकिन तुम्हें कोई चीज रास नहीं है। तो ठीक है, मुझे भी फैसला करना होगा। मेरी जान, मेरा बच्चा, सदके अभी नींद में भी तुम्हें ही देख रही थी, कैसे है तू? अम्मा मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन आप उसमें नहीं बोलेंगे। क्या मतलब? मैंने अनम को तलाक देने का सोच लिया। क्या? बस मैं कल पेपर तैयार करवाने लगा। ठीक है, फिर मुझे फोन न करना फराज। अम्मा, अम्मा, ठीक है, दोनों अलग हो जाते। मैं भी यही सोचती, आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लूं। जैसे ने तुम्हारी गलतियों खामियों पर पर्दा डालकर तुम्हें अपनाया, तुम्हें मोहब्बत और इज्जत दी, लेकिन तुम्हें कोई चीज रास नहीं है। तो ठीक है, अब मुझे भी फैसला करना होगा। फराज से अलग हो जाने में बेहतरी है, उसने कौन सा मुझे सोने के तख्त पर बिठा रखा है? ये आज कर रहे जो छिन जाने का मुझे डर है, तलाक के बाद जाऊंगी कहाँ? अम्मा के घर में तुम काम कर आज मैं घर के मोमेंट बनकर ना हॉस्टल में रह लूंगी। जॉब तो है मेरे पास, नौकरी करके सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकूंगी। अनम, क्या हो गया तुम्हें? सर चकरा रहे हो बस। हाँ तो ऐसी हालत में तो कमजोरी होगी ना, तुम कहाँ जा रही हो? स्कूल। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हें, खुदा का खौफ करो, ऐसी कंडीशन में कोई स्कूल जाता है? अंदर चलो घर, कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की। अस्सलाम वालेकुम मिस निदा, आप प्लीज मैम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं स्कूल नहीं आ सकूंगी। मैम ने मुझे कल ही आपको टर्मिनेशन लेटर भेजने को बोला है, कल आपको लेटर मिल जाएगा। क्या? यू आर टर्मिनेटेड। मेरी तो जॉब भी खत्म हो गई, क्या होगा? फिर किस गल